मार्क समझ आ गया क्या? तो फिर डरखाइम उसका सौतेला भाई है, बिल्कुल सौतेला। कैसे और क्यों? कार्ल मार्क्स से पापा ने दो शादी करी थी। ऐसे थोड़ी होता। कहानी स्टार्ट करें? चलो। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बता दो कि डरखाइम कौन से स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करता है? काजल चुप रहेगी। जैसे मार्क्स कॉन्फ्लिक्ट स्कूल से था, तो डरखाइम कौन से स्कूल से था? केंद्रीय विद्यालय नंबर 5। हाँ भाई, कॉम्प्लान कौन से स्कूल से था डरखाइम? फंक्शनलिस्ट के आगे क्वेश्चन मार्क है तो बता दो, और फुल स्टॉप है तो बता दो, या पॉजिटिविस्ट था? पॉजिटिविस्ट था क्या? नहीं था। फंक्शनलिस्ट था या मॉडर्निस्ट था या पोस्ट मॉडर्निस्ट? एथनोमेथोडोलॉजिस्ट? नॉन पॉजिटिविस्ट? पॉजिटिविस्ट। और वेरी गुड। और पॉजिटिविस्ट ही था तो फंक्शनलिस्ट तो हो नहीं सकता फिर। हमें तो पॉजिटिविस्ट तो रिसर्च करने का तरीका है, रिसर्च करने की अप्रोच है। मेरे दिमाग में आइडियोलॉजी जो है वो पॉजिटिविज्म और नॉन पॉजिटिविज्म से क्या लेन देन है? एक रिसर्च मेथड है, रिसर्च की मेथडोलॉजी है, और एक आइडियोलॉजी है। तो फंक्शनलिज्म जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बोला था कि डरखाइम वॉज द अर्लीस्ट फंक्शनलिस्ट, वन ऑफ द अर्लीस्ट फंक्शनलिस्ट, और उसके साथ साथ कुछ और लोग भी थे जो अर्ली फंक्शनलिस्ट थे, लेकिन डरखाइम वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट। अब डरखाइम क्यों एंटीथेटिकल माना जाता है मार्क्स को? फंक्शनलिस्ट के बारे में आप बताओ, क्योंकि मैंने आपको बेसिक्स इतना पढ़ाया है, बहुत दिन तक मैंने आपको बेसिक्स पे ड्रिल किया था। आप मुझे बताओ फंक्शनलिस्ट क्या होते हैं, कौन होते हैं फंक्शनलिस्ट लोग? इसे ऑर्गेनिक एनालॉगी बोलते हैं, ऑर्गेनिज्मिक एनालॉगी बोल सकते हैं। तो ये किसने दिया था थ्योरी? किसकी थी? हर्बर्ट स्पेंसर। पर फंक्शनलिज्म का बेसिक क्या बोलता है? फंक्शनलिस्ट क्या बोलते हैं सोसाइटी के लिए? ये कौन से दो सेक्शंस होते हैं जो कॉन्फ्लिक्ट में होंगे? मेल और, बहुत बढ़िया, बहुत समय लगेगा मेरी बातों को समझने में। फंक्शनलिस्ट कॉन्फ्लिक्ट की बात ही नहीं करते हैं, सब सही है, सब बढ़िया चल रहा है जीवन में। हाँ, चेंजेस जितने भी होंगे पॉजिटिव और प्रोग्रेसिव होंगे। जो भी सोसाइटी में इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं वो अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन प्ले कर रहे हैं। सोसाइटी इज ऑलवेज सुप्रीम टू द इंडिविजुअल। सोसाइटी डिक्टेट करती है, इंडिविजुअल का कोई रोल नहीं होता है। सोसाइटी के नॉर्म्स और ट्रेडिशंस फॉलो करते हुए ही हम जिंदा हैं, और वैसे ही जिंदा रहना पड़ेगा। सोसाइटी में सर्वाइव करने के लिए आपको कलेक्टिविटी की जरूरत होती है।
तो वो जो कलेक्टिविटी रीइंफोर्स करते हैं हम, तो कैसे करते हैं, दिवाली होली फेस्टिवल्स नेशनल हॉलीडेज बना के तिरंगे के नीचे, कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे, एक डेमोक्रेटिक सेटअप के नीचे। तो बेसिकली अल्टीमेटली स्टेट या सोसाइटी हर तरीके से हमको क्या करती है, गवर्न करती है, ठीक है। तो स्टेट तो एक कॉम्पोनेंट है वैसे भी सोसाइटी का। अब मुझे ये बताओ कि मार्क्स यहां कैसे डिफरेंट था। या मार्क्स डिफरेंट था कि नहीं था? मार्क्स यहां पे डर्कहाइम से सिमिलर था। ही ऑल्सो कंसिडर्ड सोसाइटी सुप्रीम टू द इंडिविजुअल। सोसाइटी के स्ट्रक्चर्स ही आपको यहां पे गवर्न कर रहे हैं, लेकिन उस सोसाइटी के स्ट्रक्चर्स को डोमिनेट अकॉर्डिंग टू मार्क्स कौन करता है? हैब्स। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके पास में जो कैप्चर करके रखेगा, वो सारे सुपर स्ट्रक्चर को। डर्कहाइम यहां पे किसी भी स्ट्रक्चर को अलग नहीं मानता, जैसे मार्क्स पॉलिटिकल और इकोनॉमिक और इन सब को अलग अलग मानता है। डर्कहाइम बोलता है सारे इंस्टीट्यूशंस एक जैसी है, सारे इंस्टीट्यूशंस का जो क्रक्स है, समरी है, वो एक ही है, वो सब सोसाइटी की पार्ट है। इसमें कोई भी एक इंस्टीट्यूशन या कोई भी एक सिस्टम ना इंफ्रास्ट्रक्चर है ना सुपर स्ट्रक्चर है, कोई नींव नहीं है, सब अपने आप में नींव है और उसके ऊपर इंडिविजुअल्स खड़े हुए हैं। मार्क्स अकॉर्डिंग नींव क्या थी, ठीक है। तो मार्क्स का सबसे बड़ा क्रिटिक डर्कहाइम ही है। सबसे बड़ा सौतेला भाई कौन है? डर्कहाइम। अब मार्क्स तो जर्मनी में पैदा हुआ है ना, जो उसकी सिचुएशंस थी और जो भी उसका आउटलुक था, उसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस मार्क्स पे पड़ा। जिसके साथ गलत होता है उसी को ही हर चीज दुनिया में गलत दिखती है। When you will meet people who have done wrong to you, तो आपको हर इंसान पे शक होने लग जाता है। मार्क्स भी इसी तरह का कुछ आदमी था, क्योंकि उसने जो सफर किया वो बेसिकली उस एरा में किया, उस एंड पे जाके किया जब वैसे भी बड़ा एट्रोसिटी था। राइट विंग एक्सट्रीमिज्म तो जर्मनी में हिटलर के बाद में बहुत ज्यादा रिसर्च हुआ। राइट विंग तो था ही सही, पर वहां काइजर थे, है ना, जैसे कल रेसर ने बताया थर्ड रीच, अब थर्ड एम्पायर। तो वो जिस जिसने लेक्चर देखा होगा वो रिलेट कर पा रहा होगा, जिसने नहीं देखा वो समझ भी नहीं सकता मेरी बात को। तो राइट विंग एक्सट्रीमिज्म वॉज डोमिनेंट इन जर्मनी ड्यू टू द राइज ऑफ हिटलर। सोशलिज्म और कम्युनिस्ट को तो थ्रैश करना चाहता था हिटलर, मैं चप्पल के नीचे रगड़ के और खत्म कर दे, वो उस तरह के मंसूबों के साथ में आदमी पैदा हुआ था। मार्क्स जिस एरा में थे उस एरा में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाले फेज जो थे वो खत्म हो गए थे। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आफ्टर इंपैक्ट्स थे, जिसे बोलते हैं अति हो चुकी थी, तो वो अति हो रखी थी। तो मार्क्स का जो टेन्योर था जर्मनी में, अल्टीमेटली मार्क्स डाइड इन लंदन, मार्क्स का जो टेन्योर था जर्मनी में, दैट वाज द आफ्टर इंपैक्ट्स और आफ्टर फॉल ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड कैपिटलिज्म। पहले सब कुछ सुहाना लगता है और उसके बाद में चीजें खराब होनी शुरू होती है।
बीट योर एनी रिलेशनशिप और योर फ्रेंडशिप्स और एनी थिंग, शुरुआत में यूपीएससी पढ़ने में जितना खलबलाट होती है वो धीरे 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 ठंडक होती जाती है। आपको महसूस होगा कि आपकी एनर्जी मोमेंटम कम होने लग गया है, जितना लॉन्ग टाइम आप यहाँ बिताओगे तो आपकी वो एनर्जी इतनी धीरे कम होती है। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को बड़ा ग्रेसफुली एम्ब्रेस किया था यूरोप ने। फ्रांस में डेमोक्रेटिक सेटअप इंट्रोड्यूस हो गया था 1979 में, और यूएसए में भी करीबन 1987 के अराउंड में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड वाज अडॉप्टेड। तो वो एक लिबरल पैराडाइम था। अब जर्मनी में और फ्रांस में बेसिक डिफरेंस क्या था, हालांकि आपको रजत सर भी बताएंगे पर मैं आपको थोड़ा ब्रीफ आउट कर देता हूं। जर्मनी और फ्रांस में बेसिक डिफरेंस ये था 18 सेंचुरी में कि इस 18 सेंचुरी में, या बोलो आप 19 सेंचुरी की बिगनिंग में, फ्रांस वाज़ द सोसाइटी हु व्हिच वाज़ डेमोक्रेटिक इन नेचर। जर्मनी वाज़ द सोसाइटी विच वॉज डोमिनेटेड बाय काइजर, मोनार्कियल इन नेचर। तो जो भी सेटअप था, सोसाइटी का जो सेटअप था और जो इम्पैक्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और कैपिटलिज्म का था, वो फ्रांस और जर्मनी पे अलग अलग तरीके से पड़ा। उसका एक बहुत बड़ा फर्क ये है कि रिसेप्टर साइड जो होता है वो डिटरमाइन करता है बहुत सारी चीजें कि उसको कितना अच्छे से सोसाइटी के अंदर में और आगे ले जाना है। जैसे मान लो कि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की बात इस वक्त जापान कर रहा है, अब रिसेप्शन साइड पे मैं उसको पूरा ब्लॉकेड क्रिएट करके रखता हूं कि मैं तो मिलिट्री स्टेट हूं। Can anyone today in the world convince Afghanistan or Pakistan to give up weapons? Ideology नहीं है उनकी, लेकिन भूटान को बोलो तो कर देगा। तो receptor side पे आप लोग भी एक receptors हैं। Receptor side पे ये बहुत बड़ा factor होता है कि information कितना अंदर पेनिट्रेट करेगी, कितना नॉलेज अंदर पेनिट्रेट करेगी, प्रोसेस कितना अच्छा इनग्रेन्ड होगा सोसाइटी में, उसके रिजल्ट्स और आउटपुट कितने आएंगे, ये बहुत बड़ा फैक्टर यहां से होता है। ठीक है, अब क्योंकि सोसाइटी का आउटलुक जो था वो बहुत डिफरेंट था फ्रांस और, तो जब मार्क्स सोसाइटी को स्टडी कर रहा था तो वो जो आफ्टर फॉल था, वो आफ्टर फॉल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का और कैपिटलिज्म का उतना अच्छा नहीं था जर्मनी में, ड्यू टू द पॉलिटिकल सेटअप दैट जर्मनी हैड, विच वाज मोस्टली एंड मेजरली डोमिनेटेड बाय काइजर, मोनार्की। और मोनार्की में भी उसके साथ में पीएम हुआ करता था, है ना, चांसलर जिसे बोल लो आप, पर वो सब तो क्या एक नेक्सस में थे, ओरिएंटेशन का भी वेलफेयर नहीं था। जब राइट विंग डोमिनेट करता है तो वेलफेयर कहीं ना कहीं मारा जाता है, क्योंकि सोशलिज्म और कम्युनिज्म वाली आइडियोलॉजी बीच में नहीं आती है जो कि वेलफेयरिज्म को प्रमोट करती है। राइट विंग एक पुलिस स्टेट की तरह एक्ट करता है, कंट्रोलर की तरह एक्ट करता है। तो मार्क्स बाबा जिस सोसाइटी में थे, उस सोसाइटी में इन सब चीजों का इंपैक्ट अच्छा पड़ा नहीं। उसका एक बहुत बड़ा कारण था उनका खुद का कंट्री का सेटअप। लेकिन फ्रांस में इस चीज का रिसेप्शन बड़ा अच्छा था। उसका एक कारण था 1979 का फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसने डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस कर दी।
अब जहां लिबरल डेमोक्रेटिक पैराडीम है, जहां पे लोग इलेक्टेड हैं, जहां पे सब इक्वल हैं, जहां पे रिसेप्टर्स अच्छे हैं, रिसेप्शन अच्छा है, तो वहां पे उन सब चीजों का पेनिट्रेशन और डोमिनेशन भी अच्छा होगा. व्हाट वर्क्ड वेल फॉर फ्रांस वाज नॉट वर्किंग वेल फॉर जर्मनी. बेसिक कारण मैं आपको ये बता देता हूं. अब 79 के रेवोल्यूशन के बाद में करीबन करीबन 80 साल बाद एक इंसान पैदा होता है फ्रांस में. 79 नहीं, 89 के रेवोल्यूशन के बाद में, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में करीबन करीबन 60-70 साल बाद एक आदमी पैदा होता है जिसका नाम क्या है, एमाइल डक है. रेबीज कम्युनिटी में वो बिलोंग करता है. रेबीज क्या है, एक प्रीस्टली कम्युनिटी है, जू है वो, ठीक है. अब आपको पता हो कि राइट विंग एक्सट्रीमिज्म के अंदर में जो जूस थे जर्मनी में, उनके लिए एक अलग लेवल की हेट्रेड थी. जू का होलोकॉस्ट हुआ था और उसका एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी प्रिजर्व करके रखा है. वर्ल्ड हिस्ट्री तो खैर सर पढ़ा रहे हैं तो वो बताएंगी इसी, वो तो वैसे भी बहुत कहानी के थ्रू बताते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ जो शायद मिस हो जाए या हो गया हो. जर्मनी की सबसे बड़ी गलती थी हॉलोकास्ट को रिकॉर्ड करना. जर्मनी के अंदर हर उस इंसान को आर्मी में पुलिस में डाल लिया जा रहा था क्योंकि जर्मनी एक्सपैंड करने में लगा हुआ था. अब एक्सपैंड करने के बाद में आप पोलैंड पहुंचे, आप चेकोस्लोवाकिया पहुंचे, आपने कैप्चर कर लिया, पर उस टेरिटरी को अपना भी तो बना के रखना है. तो उस टेरिटरी को अपना बना के रखने के लिए आपको वहां पे फोर्स लगानी पड़ेगी अपनी. उस फोर्स के लिए आपको लोग चाहिए. तो लोग क्या, अनाप शनाप जितने भी जो मिल रहे थे, जो बस फिजिकली फिट दिख रहा था उसको एंट्री करवा लेते. एक टाइम पे जर्मनी में ऐसा हुआ था कि एंट्रीज और एप्लीकेंट्स इतने बढ़ गए थे कि जर्मनी ने फिल्ट्रेशन प्रोसेस थोड़ा हाई कर दिया था. नंबर ऑफ एप्लीकेशंस वाज 1000 एंड दे वर ऑट टू चूज वन और टू पीपल, क्योंकि बहुत अच्छा पे कर रहा था जर्मनी, अलाउंस अच्छा पे कर रहा था, क्योंकि बाहर के फॉरेन कंट्रीज में जाना है आपको और गोली चलानी है. अब जू वो कम्युनिटी थी जो कि वन ऑफ द वेल्दीएस्ट थी. जूज हमेशा से डोमिनेंट कम्युनिटी रहे थे. तो जर्मनी की उस समय सबसे बड़ी गलती ये थी कि जो रेशियल एरोगेंस था हिटलर और जर्मनी के लोगों के अंदर, है ना, वन रेस वन स्टेट वन डोमिनेंस ओनली डोमिनेंस, इन सब चीजों को क्या करते थे, गड्ढे के अंदर में लोग खड़े किए, आप सामने देखो और पीछे से आपको कोई गोली मार देगा, वो गड्ढा भर दिया. एक चेम्बर में 60-70-100 लोगों को डाला, उसमें पॉइजनस गैस डाली, मारा वहीं की वहीं उस चेम्बर को खाली किया, फिर दूसरे जाओ मरो. मतलब लॉट्स में किलिंग होती थी और उसके वीडियोस भी हैं, वो डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है जर्मनी के इस होलोकास्ट के. तो ये जो रेज और एंगर था उसका कारण ये था कि आपने ये नहीं देखा कि फ्रांस में या यूके में या बाकी यूरोपियन कंट्रीज में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और कैपिटलिज्म इतना अच्छा क्यों चल गया, क्योंकि आपकी नींव कमजोर थी और बाकी लोगों की नींव अच्छी थी. तो जो डर्खाइम बाबा पैदा होते हैं जिस एनवायरमेंट में, इन सब चीजों का इतनी कहानी का समरी सिर्फ इतनी सी है कि जब डर्खाइम बाबा पैदा होते हैं तो बड़ा कंड्यूसिव स्टेट में पैदा होते हैं. अगर डर्खाइम बाबा 150 साल पहले पैदा होते तो उसको सोसाइटी से नफरत होती.
लेकिन आप जिस सोसाइटी में बॉर्न होते हो उसकी प्रेजेंट स्टेट, प्रेजेंट कंडीशंस, प्रेजेंट कंटेक्स्ट, ये डिटरमाइन करता है कि आपकी सोच भी कैसी है। तो वो एक तो खुद वो एक रेबिस कम्युनिटी में पैदा हुए थे जो कि कौन होती है, ज्यूइश प्रीस्ट। दूसरा बड़ा ही कंड्यूसिव एनवायरनमेंट में पैदा हुए थे जहां पे सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। डर्खाइम का इंटरेस्ट सोसाइटी में कैसे जनरेट हुआ स्टडी करने में, वैसे वो फिलॉसफी वगैरह को स्टडी करने के लिए गए है ना, वो भी जर्मनी गए थे पढ़ने के लिए और फिर बाद में वहां पे पॉइंट पढ़ाने भी लग गए किसी यूनिवर्सिटी में। पर उसी जर्मनी में जब मार्क्स होता है और उसी जर्मनी में जब डर्खाइम होता है तो दोनों का पर्सपेक्टिव कैसे डिफरेंट हो सकता है? सच्चाई तो एक ही होती है ना। व्हाट इज व्हाइट इज व्हाइट, हाउ कैन यू से इट इज ब्लैक? परसेप्शन, परसेप्शन का खेल इतना सा है कि जो भी चीजें डर्खाइम ने सोसाइटी में ऑब्जर्व की, इंट्रोड्यूस की, अपने कंसेप्ट के थ्रू जो इंट्रोडक्शन किया, उसके सबसे पहला बेसिक ये था कि वो बड़ा ही खुद बढ़िया कंड्यूसिव एनवायरनमेंट में सोसाइटी को देखा। अब डर्खाइम के सामने ये क्वेश्चन था कि यार सब चीजें इतनी अच्छी कैसे हो सकती है, क्योंकि बुरा तो उसने देखा ही नहीं। आज आप फिनलैंड में, नॉर्वे में, स्वीडन में पैदा हो तो आपको लगेगा कि यार सोसाइटी तो ऐसी होती है, थिंग्स आर गुड देयर। लेकिन आप बांग्लादेश जाओ, पाकिस्तान जाओ, जो उनकी स्टेट है इस वक्त, अफगानिस्तान जाओ है ना, इराक जाओ, आपको वहां देख के पता लगेगा कि यार स्टेट तो ये भी है लाइफ की। तब आपको कंपेरेटिव स्केल से पता लगता है कि यार हम तो बहुत अच्छी सोसाइटी में रह रहे हैं। तो वो कड़वाहट, वो सौतेला व्यवहार बोला जाए तो वो डर्खाइम के साथ हुआ ही नहीं था, वो बुरा फेस तो उसने देखा ही नहीं। तो डर्खाइम का मेजर फोकस ये था कि सोसाइटी इतनी वेल फंक्शनिंग चल कैसे रही है, क्या कारण है कि सोसाइटी इतनी प्रॉस्परस है, सब लोग इतना खुश हैं, डेवलपमेंट चल रहा है, सब चल रहा है ठीक है। पर फिर ये बात भी डिनाई नहीं की जा सकती थी कि सोसाइटी में डेविएंस तो होता ही है, पूरी सोसाइटी तो सबसे बढ़िया तरीके से काम कर नहीं सकती है, कुछ ना कुछ तो होता ही है जो सोसाइटी में डेविएंट होता है। तो डर्खाइम को यह भी पता करना था कि अच्छी चीजों में भी बुरी चीज कैसे आ जाती है, सब सही चल रहा है उसके बावजूद भी ऐसा क्या हो सकता है कि कुछ चीजें खराब हो जाती है, कुछ लोग क्यों हैं जो डेविएंट है, कुछ ही लोग चोर उचक्के टेररिस्ट क्यों हैं, सब क्यों नहीं है, सब अच्छे हैं तो फिर कुछ बुरे क्यों हैं, और कुछ बुरे हैं तो फिर सब अच्छे कैसे रह गए। भाई आपने ड्राई क्लीन पे कपड़े दिए, व्हाइट शर्ट दी, ड्राई क्लीन होके आई, पूरी शर्ट बढ़िया से ड्राई क्लीन है लेकिन नीचे की साइड में एक छोटा सा धब्बा लगा है, आप क्या बोलते हो? यार पूरी शर्ट तो तुमने साफ कर दी या धब्बा छोड़ दिया? वो बोलेगा नहीं साहब बहुत बढ़िया से साफ करी, बोले धब्बा कैसे छूट गया? तो डर्खाइम के सामने भी यही क्वेश्चन था कि जब पूरी शर्ट सफेद है, पूरी ड्रेस सफेद है, तो ये धब्बे कहां से आ गए? इनको टर्म देता है डेविएंट्स। डेविएंट्स मतलब जो सोसाइटी के नॉर्म्स और स्टैंडर्ड से डेविएट करते हैं, और जो कंप्लाई करते हैं वो कौन है? सफेद शर्ट मतलब आप और हम, ठीक है।
अब डरखाइम की बायसनेस दिखाता हूं आपको कैसे। वो बोलता है कि जो कंप्लाई कर रहे हैं वो हमेशा ही कंप्लाई करते हैं, लेकिन आप अगर गाड़ी चलाते हैं तो आपको पता है कि कौन सी रोड पे पुलिस है और कौन सी रोड पे। यहां से मानसून प्लाजा तक या कहीं और तक आके गाड़ी लेके जाओगे तो हेलमेट नहीं पहनोगे, क्योंकि तो डेवियंस नहीं है क्या? डेवियंस तो ये भी है और डेवियंस वो भी है। तो डरखाइम को ये भी स्टडी करना था कि सोसाइटी में डेवियंस कैसे होता है। अब फंक्शनलिज्म का पैराडाइम दिमाग में क्यों इंट्रोड्यूस हुआ या क्यों डरखाइम फंक्शनलिस्ट बना, उसका एक कारण तो ये था, सबसे बड़ा कारण जो कहीं नहीं लिखा वो ये है कि डरखाइम खुद ही ऐसी सोसाइटी में बॉर्न हुआ था जो सब कुछ जहां पे ठीक चल रहा था, बुरा वक्त निकल चुका था। अगर वो डार्क एजेस में पैदा होता तो उसकी आइडियोलॉजी चेंज होती। अब यहां पे रोल आता है उन लोगों का जिनका इन्फ्लुएंस था डरखाइम के ऊपर। उनमें से सबसे पहले कौन थे? ऑगस्ट कॉम्ट। ऑगस्ट कॉम्ट का, क्योंकि मैंने आपको बताया था डरखाइम पॉजिटिविस्ट कैसे बना, ऑगस्ट कॉम्ट के कारण। पॉजिटिविस्ट कौन होते हैं? जो सोसाइटी को बोलते हैं कि साइंटिफिकली स्टडी किया जा सकता है, इसीलिए सोशियोलॉजी इज अ साइंस। तो डर्कहाइम जो कि फंक्शनलिस्ट पैराडाइम में ढले, लेकिन वो पॉजिटिविस्ट कैसे बने, उसके पीछे का कारण थे ऑगस्ट कॉम्टे। पर डर्कहाइम का एक कंसेप्ट हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले जैसे हमने हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म पढ़ा, दैट हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म वॉज अ कंसेप्चुअल टूल यूज बाय मार्क्स टू स्टडी द सोसाइटी। इसी तरीके से फंक्शनलिस्ट आइडियोलॉजी और पॉजिटिविस्ट रिसर्च मेथडोलॉजी का एक नया कंसेप्चुअल टूल, इनके इन्फ्लुएंस से एक नया कंसेप्चुअल टूल डर्कहाइम के दिमाग में जनरेट होता है, जिसे वो नाम देता है सोशल फैक्ट। उस सोशल फैक्ट से, उस सोश कंसेप्चुअल टूल से वो स्टडी करता है सोसाइटी को कि सब कुछ इतना बढ़िया कैसे चल रहा है। ठीक है, फिर आते हैं हमारे पास में दूसरा इन्फ्लुएंस, हर्बर्ट स्पेंसर, जिन्होंने क्या दिया? किडनी, लिवर, ब्रेन मिलके एक बॉडी बनाएगा, सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग। इंडिपेंडेंट अपने अपने फंक्शन कर रहे हैं पर सब एक दूसरे पे इंटर डिपेंडेंट है, और वो सब मिलके एक बॉडी स्ट्रक्चर को खड़ा करते हैं। फिर आता है फर्डिनेंड टॉनस जेमाइल शाफ्टन। कुछ सोसाइटी के अंदर में इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलता है और कुछ सोसाइटी के अंदर में इंटीग्रेशन कम देखने के लिए मिलता है, लेकिन इंटीग्रेशन तो सब में है। जिमाइन शाफ्ट और जिसिल शाफ्ट वाली सोसाइटी अगर आपने पढ़ी हो तो मैंने आपको उस टाइम एग्जाम्पल दिया था। एक सोसाइटी होती है जो प्रिमिटिव ट्राइबल सोसाइटी टाइप की होती है और एक होती है जो मॉडर्न सोसाइटी होती है। दोनों के इंटीग्रेशन में क्या फर्क है? जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था शादी का, याद है, जहां से गांव से बहुत सारे लोग आ गए थे। ठीक है, उनको अपने गांव से इतने लोग क्यों बुलाने पड़े थे? जिमाइन शाफ्ट, जिसिल शाफ्ट, इंटीग्रिटी इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा होता है। एक गांव में शादी में आसपास के सारे गांव आते हैं, रिलेटिव वाला कंसेप्ट नहीं होता। अपन तो अपने रिलेटिव में भी चुन चुन के काट देते हैं, इसको मत बुलाओ भसोड़ा कर देगा यहाँ के, हटाओ इसको, इग्नोर। व्हाट्सएप पे एक मैसेज डाल देंगे शादी के एक दिन पहले, यू हैव टू कम। लेकिन ये काम गांव में या ट्राइबल सोसाइटीज में नहीं होता, क्योंकि इंटीग्रेशन है ही होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम सोसाइटी इंटीग्रेटेड है ही नहीं, तो इंटीग्रेशन तो है पर अलग अलग लेवल पे है, अलग अलग टाइप का है। उसी टाइप का जो आइडिया बोरो किया था वो किया था फेडरिन टॉनस से, जिसका नाम था जेमाइन शाफ्ट और जिशल शाफ्ट, जहां पे दो कम्युनिटी को कंपेयर करता है।
और यहां से वो अनॉमी की बात करता है. अनॉमी इज अ स्टेट ऑफ नॉर्मलेसनेस. अनॉमी क्या होती है? नॉर्मलेसनेस, जहां पे नॉर्म्स खत्म हो जाते हैं, न स्टेट ऑफ अनॉमी सोसाइटी एंटर कर जाती है. कोई नॉर्म्स फॉलो नहीं कर रहा है. जैसे इंडिया कब ऐसी सोसाइटी बना है हिस्ट्री में थ्रू आउट, अगर आपको मैं पूछूं कि वो नॉर्मलेस सोसाइटी हो गया, दस नॉर्मलेसनेस. वर्ल्ड में कोई एक एग्जाम्पल बता दो जहां नॉर्मलेसनेस हो, नॉर्मलेस सोसाइटी. अरे तुम्हारी श्रीलंका थोड़े दिन पहले, पाकिस्तान का तो इतिहास ही नॉर्मलेसनेस का है. सूडान, अफगानिस्तान, देश की पार्लियामेंट में बैठ के हुक्का फूके जा रहे हैं. नॉर्मलेसनेस ये क्या है? एनॉमी. तो अनॉमी का भी कंसेप्ट इसने यहां से बोरो किया है कि अनॉमी इज कॉल्ड एज, इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनॉमी? नॉर्मलेसनेस, द स्टेट ऑफ नॉर्मलेसनेस. तो क्या डेवियंस जो आज आप लोग कर रहे हो, वो डेवियंस अगर सब करने लग गए तो क्या वो सोसाइटी अनॉमिक सोसाइटी नहीं हो जाएगी? हाँ या ना? डेविन शो करने कोई नॉर्म्स होते ही नहीं है. जब तुम हेलमेट उतार के गाड़ी चलाती हो तो कोई नॉर्म्स फॉलो कर रही हो गया? कुछ दिन तो गुजारो तालिबान में. मतलब नॉर्मलेसनेस सोसाइटी के अंदर नॉर्म्स कैसे हो सकते हैं? जब सब अपनी मर्जी का करेंगे तो किसकी मर्जी चलेगी? देखो बड़ा ही सिंपली इस चीज को अंडरस्टैंड करो. आज आप जो कर रहे हो वो आप सिर्फ इसीलिए कर रहे हो क्योंकि कुछ चीजें आपका मन करता है करने का और बाकी चीजें आपको करनी पड़ती है. आपके ऊपर कंस्ट्रेंट्स होते हैं. नहीं तो अगर आपको खुला छोड़ दिया जाए, है ना, जस्ट इमेजिन करके देखो और फिर जो भी वाइल्ड थॉट आ रहे हैं आपके दिमाग में वो आप मुझसे शेयर मत करना. यहां पे सारे स्टेटस और रोल खत्म हो जाए, सरकार गिर जाए, पुलिस खत्म हो जाए, आईएएस, कोई आईएएस नहीं है, कोई आईपीएस नहीं है, कोई टीचर नहीं है, कोई स्टूडेंट नहीं है, किसी की दुकान किसी की है नहीं, सब कुछ मर्जी का है, मन मर्जी का. तो ऐसी सिचुएशन में तुम पहला काम क्या करोगे? क्या करोगे? क्या चीज? क्या चीज? नहीं मैं तो पूछ रहा हूं कि तुम क्या करोगे. मम्मी पापा का को भी कोई डर नहीं, किसी का कोई लोड ही नहीं है जीवन में, पहला क्या काम क्या करोगे? मर्डर. एक आइडिया आया, मर्डर. दूसरा बताऊंगा, तुम बोलते जाओ मैं तुमको कहानी समझा दूंगा. बोलो और एक आध दो और बताओ, बताने लायक है तो. हाँ भाई धर्मेंद्र बाबू.
बूथ कैप्चरिंग मोदी जी को मार दोगी तुम, ऐसे बोलते हैं? एक एक आइडिया बताओ ना, फिर मैं बताता हूँ कि कैसे ये चीज काम करती है। डरखाइन इस पे क्या बोलता है? अरे कुछ भी बता दो यार, आ तो गया होगा दिमाग में। सोचो आज कुछ भी नहीं है ना, कैमरा ना कुछ ना, मैं कोई नहीं। है? गाड़ी लेनी है, गाड़ी लेके घूमोगे? बड़े छोटे कहावे यार तेरे। GTA Vice City में जो करते थे, GTA Vice City में बहुत कुछ करते थे। हाँ भाई, और एक आध कोई और ख्वाब है क्या? काजल तुम बता दो, गोलगप्पे वाले के सारे गोलगप्पे खा जाओगी? नहीं, आलू गोभी, गोभी वाली की सारी गोभी उठा लाओगी। अब ये देखो, तुम मर्डर करने जाओगे तो सामने वाला के डिफेंडिंग करेगा क्या? तुम गोभी उठाने जाओगी तो क्या सामने वाला गोभी दे देगा क्या? तो तुम गाड़ी लेके घूमोगे तो गाड़ी खुद की है किसकी है जो भी है, तो बाकी लोग सड़क पे नहीं चलेंगे क्या? पहला पहला शक किसी पे ही होगा मेरा। अब कल रात को मैं ऐसे ही जूस पीने गया था तो नीरज बाबू मिल गए, तो मैंने कहा कैसे वही यहाँ कैसे? बोले सर आपकी तो गाड़ी मुड़ रही थी, मैं तभी समझ गया था 1787 सियाज। मैंने कहा ओके। कहने का मतलब जब सब नॉर्म्स नहीं फॉलो करेंगे तो आप जो भी करना चाहते हो किसी न किसी के साथ में कॉन्फ्लिक्ट में आएगा। नॉर्मलेसनेस का मतलब आपके ऊपर कोई नॉर्म्स नहीं है, आप जो करना चाहते हो वो कर रहे हो, नॉर्म्स फॉलो नहीं कर रहे हो। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड नॉर्म्स लॉ है और अनइंस्टीट्यूशनलाइज्ड कस्टम ट्रेडिशंस संस्कार, कुछ भी फॉलो नहीं करना। पर आपके नॉर्म्स लेसनेस और सामने वाले के नॉर्म लेसनेस भी कॉन्फ्लिक्ट में आएंगे ही आएंगे, वो कभी कोऑपरेशन में चलेगा ही नहीं, कभी भी कोऑपरेशन नहीं चलेगा। इससे स्टेट जनरेट होता है अनोमी का। जैसे आपने बोला कि नॉर्मलेसनेस भी एक नॉर्म खड़ा कर देगा, तो कभी नॉर्म हो ही नहीं सकता क्योंकि कॉन्फ्लिक्टिंग नॉर्म्स कभी भी सरवाइव नहीं कर सकते। या तो आप डेमोक्रेसी मान लो या ऑटोक्रेसी मान लो। यहां से अनोमी वाला आइडिया बोरो किया किसने? डरखाइन ने। नेक्स्ट हमारे पास में आते हैं, इसका नाम है फुस्टल डी कलोश। ठीक है, यहां से ये लेते हैं सोसाइटी को सुई जनरस होने का आइडिया, मतलब सेल्फ एवोल्यूशनरी इन नेचर। सुई जनरस इज सेल्फ एवोल्यूशनरी इन नेचर। अब ये कहां यूज करेगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास में अल्बर्ट शैफल। अल्बर्ट शैफल से ये बोरो करते हैं आइडिया कलेक्टिव कॉन्शियंस का। ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा कलेक्टिव कॉन्शियंस क्या होता है, बट बहुत सिंपली अगर मैं बताऊं, कलेक्टिव कॉन्शियंस कुछ भी नहीं है। अभी इंडिया पाकिस्तान के मैच में आपने किसके नारे लगाए थे? एशिया कप कौन जीता? जी दिया ना। ये तुम तो मैच खेल नहीं रहे थे, लेकिन तुम्हारा स्पिरिट किसके साथ था? विकेट गिरा तो शट, विकेट गिर गया और छक्का पड़ा दो, पुलवामा में अटैक होता है आपको बुरा लगता है, मुंबई अटैक होता है आपको बुरा लगता है, आपके ऊपर तो अटैक नहीं हुआ। फेस्टिवल्स में आप
एक दूसरे से मिलते हो, सब मिलके एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हो। तो फेस्टिवल किसका है, जीत किसकी है, जीत टीम इंडिया की ही क्यों है, उन 11 लोगों की जीत क्यों नहीं है जिनने गेम खेला, कलेक्टिविटी, जिस भी चीज की रिप्रेजेंटेशन, जिस भी चीज का एसोसिएशन, जिस भी चीज का अफिलिएशन कलेक्टिविटी से हो, लार्जर कम्युनिटी से हो, उसे हम बोलते हैं कलेक्टिविटी। और उसको जो स्पिरिट ड्राइव करता है, चाहे त्योहार को साथ में सेलिब्रेट करने का, या नेशनल एंथम में खड़े होने का, या लॉ को फॉलो करने का, एल्डरलीज को हेल्प करने का, डिस्टिट्यूट को सर्व करने का, इंडिया के नारे लगाने का, द फीलिंग ऑफ कलेक्टिव पेन, कलेक्टिव सिंपथी, कलेक्टिव एम्पथी, कलेक्टिव स्ट्रेंथ्स, ये सब क्या है, कलेक्टिव कॉन्शियंस। ये जो स्पिरिट होता है, ये जो ड्राइव करता है आपको कलेक्टिविटी की तरफ, जो आपको ड्राइव करता है, क्या होता है, कलेक्टिव कॉन्शियंस। अब सोसाइटी का सेटअप और इन चार पांच लोगों का इन्फ्लुएंस, ये बनाता है डरखाइम को। डरखाइम को कौन बनाता है, ये सब लोग मिला जुला के, मिलीजुली सरकार है डरखाइम बेसिकली, क्योंकि मार्क्स भी आपको मैंने बताया था, मार्क्स भी पूरी मिलीजुली सरकार थी। अब हम आते हैं आगे सोशल फैक्ट पे, क्योंकि ये तो डरखाइम का इंट्रोडक्शन हो गया, डरखाइम का एक स्केच बन गया कि डरखाइम कैसी कैसी बातें करेगा, कब कब करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि उसका इन्फ्लुएंस है, बाकी लोगों का इन्फ्लुएंस उसकी सोसाइटी पे, उसके पर्सनालिटी पे। अब बीइंग अ फंक्शनलिस्ट एंड कीपिंग इन माइंड दैट ही हैड अ इम्पैक्ट ऑफ ऑगस्ट कॉम्टे, हु वाज अ पॉजिटिविस्ट, द अर्लीस्ट सोशियोलॉजिस्ट, सेंट सिमन ऑगस्ट कॉम्टे, तो गुरु का जो असर था वो देखने के लिए तो मिलेगा ही सही। तो ये जो नया कंसेप्चुअल टूल डिजाइन किया, क्योंकि बिना कंसेप्ट के आप सोसाइटी को स्टडी कर ही नहीं सकते हो, और वैसे भी अगर आपको पीएचडी करनी है तो वैसे भी कोई एक नया आपको थ्योरी प्रपोज करनी पड़ेगी। तो जितना भी काम किया डरखाइम ने, उन सब काम के पीछे की कहानी बड़ी सिंपल थी, मतलब चाहे वो रिलीजन को स्टडी किया हो, सुसाइड को किया हो, अनॉमी को किया हो, जितनी भी चीजों को डरखाइन ने स्टडी किया, उनकी कहानी बड़ी सिंपल थी। और वो कहानी क्या थी कि कोई भी चीज जो भी आप स्टडी कर रहे हो, सब सोशल फैक्ट ही है, पर सोशल फैक्ट है क्या, रिलीजन क्या है, सोशल फैक्ट सुसाइड क्या है, सोशल फैक्ट, अरे जब हर चीज सोशल फैक्ट है तो सोशल फैक्ट क्या है। मैं तो आपको बोलूंगा, अगर आप डरखाइम को 2-3 दिन बाद में आप डरखाइम को समझने लगोगे, तो उसके लिए तो उसकी बीवी भी सोशल फैक्ट थी। डरखाइम ने डिफाइन किया सोशल फैक्ट को, सोशल फैक्ट्स आर द कलेक्टिव वेज ऑफ फीलिंग, एक्टिंग एंड थिंकिंग विच इज एक्सटर्नल टू द इंडिविजुअल एंड इंटरनल टू द सोसाइटी। क्या है सोशल फैक्ट, इट इज द कलेक्टिव, रट लेना इस डेफिनेशन को, कलेक्टिव फीलिंग ऑफ फैट, FAT, फीलिंग एक्टिंग एंड विच इज एक्सटर्नल टू द इंडिविजुअल एंड इंटरनल टू द, लिखा हुआ है, सब लिखा है, चिंता मत करो, नोट्स में सब लिखा है। लेकिन एक्सटर्नल टू इंडिविजुअल, इंटरनल टू सोसाइटी और फैट, ये तीन चीजें यहां पे समझनी। कलेक्टिव का मतलब समझ आ गया, कलेक्टिव इज मतलब जो कलेक्टिविटी फॉलो करती है, लार्जर मास ऑफ पॉपुलेशन या जो भी वो लोग फॉलो करते हैं।
व्हाट इज फीलिंग? फीलिंग क्या है? किसी ने कभी बोला है तुमको यार आई फील फॉर यू? बोला तो होगा, पढ़ा भी होगा। हाँ भाई, अरे नालायको, फील फॉर यू का मतलब सिर्फ ये थोड़ी होता है, फील फॉर यू मतलब सिंपैथेटी भी। अच्छा, यू फील फॉर योरसेल्फ, कीप फीलिंग, सेल्फ मॉलेस्टेशन बोलते हैं उसको। फीलिंग क्या है? एक कॉग्निटिव प्रोसेस है बेसिकली, है ना? थिंकिंग भी एक कॉग्निटिव प्रोसेस है और एक्शन उसका बिहेवियरल मैनिफेस्टेशन है। तो जो आप सोच रहे हो मतलब थिंकिंग, वो सोच रहे हो जो कलेक्टिविटी सोचती है। आप जो फील कर रहे हो मुंबई टेरर अटैक, पुलवामा के बाद में इंडियन टीम के साथ में वो जो धोनी का छक्का था आखिरी वाला, रवि शास्त्री जो चिल्ला के बोलता है, तो वो आपके अंदर जो इमोशन जनरेट कर रहा है वो फीलिंग है। लेकिन वो फीलिंग सबको, जिन जिन को एक साथ आ रही, वो सब कलेक्टिविटी का पार्ट है भाई। श्रीलंका के जिस बॉलर को या उस वर्ल्ड कप फाइनल के मैच में धोनी ने जो धोनी फिनिशेस ऑफ इन स्टाइल, ये रवि शास्त्री बोल सकता था, अर्जुन राणातुंगा नहीं बोल पाता। और जिस इंटेंसिटी के साथ में रवि शास्त्री ने बोला, उस इंटेंसिटी के साथ में महिला जयवर्धने और ये लोग नहीं बोल पाते। क्यों? क्योंकि उस फीलिंग को वो शेयर कर रहा था जिसका नाम क्या था, कलेक्टिविटी। वो उस कलेक्टिविटी के साथ में बिलोंग कर रहा था और उस वर्ड, उन फीलिंग्स को, उस मोमेंट को जो आपने फील किया अपने ऊपर, ये सिग्निफाई करता है कि आप उस कलेक्टिविटी का पार्ट हो। पाकिस्तान से जो पिछला मैच था, जो बड़ा क्लोज कॉल में निकला था वर्ल्ड कप में, उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान की गलती थी जिसका फायदा बाद में इंडिया उठा गई, राइट? तो उस मैच में जो जीत हुई, उस जीत से आप खुश थे, लेकिन उस मैच में जो हार हुई उससे कुछ लोग दुखी भी थे, या हो सकता है आपकी जीत से कुछ लोग दुखी भी हों। तो वो आपकी कलेक्टिविटी को शेयर नहीं कर रहे थे, आपकी कलेक्टिव फीलिंग को शेयर नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनका नाम क्या था, पाकिस्तानी। तो एक ही इवेंट हुआ, सक्सेस और आइदर यू वन और यू लॉस्ट, पर आपकी जीत में किसी की हार भी है। तो आपकी हार से जितना दुख होता है, हो सकता है कि सामने वाले की जीत से उतनी चिढ़ भी हो। तो ये जो पटाखे बजते हैं, छोटी छोटी चीज नोटिस करो एनवायरनमेंट में, ये जो पटाखे बजाए जाते हैं जीत होने पे, है ना? चंद्रयान पहुंच गया तो माइक पे आके रोना तो खैर बड़ा टेक्निकल काम है, वो तो कोई और ही कर सकता है, लेकिन बाकी लोग बड़े खुश थे, कुछ ही लोग रो रहे थे, जो मुझे लगा कि जरूरत थी नहीं उसकी। खुशी की बात है, चंद्रयान पहुंच गया, रोना क्यों था उसमें। तो कहने का मतलब, वो जो एकास्टिसी होती है, वो जो फीलिंग्स होती है, जब वो फीलिंग्स आपकी और मेरी म्यूचुअल है, तब हम एक ही कलेक्टिविटी के पार्ट है।
और जब वो फीलिंग आपकी मेरी अलग अलग, इसका मतलब आप अलग कलेक्टिविटी से बिलोंग करते हो और मैं अलग कलेक्टिविटी से बिलोंग करता हूँ, जब मैं पटाखे फोड़ाता हूँ और आप भी उसमें पार्टिसिपेट करते हो, चाहे वो दिवाली हो, होली हो या कोई भी और फेस्टिवल हो, तो आप और मैं एक ही कलेक्टिविटी के पार्ट हैं। और अगर आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो तो हम अलग अलग कलेक्टिविटी के पार्ट हैं। मैं जो सोच रहा हूं वैसा ही आप भी सोच रहे हो, तो आप और हमें एक कलेक्टिविटी के पार्ट है, अदरवाइज। इसीलिए जो सबसे बड़ा इशू है हमारे साथ में वो यही है कि हमने अपनी कलेक्टिविटी को इतना डिवाइड कर लिया है कि हम कहीं एक जगह आ ही नहीं पाते। भाई इंडियन हो, जिस दिन मैच हुआ उस दिन आप इंडियन बन गए, अगले दिन आप रिलीजियस हो गए, उस रिलीजियस में शादी की बात चली तो आप कास्टिस्ट हो गए, फिर कास्ट के अंदर भी अगर आप घुस जाओ तो फिर वो गोत्र उत्र वाला चक्कर, और उसके बाद भी अगर कुछ जीवन में बच जाता है तो मेल फीमेल। संपत सरल जी का एक बड़ा अच्छा मैंने कहीं सुना था कि देश की परिस्थिति तीन चीजों में बड़ी अच्छी डिफाइन की जा सकती है, मीडिया में भी छप रहा है भाई, रुपी का डेप्रिसिएशन इंटरनेशनल कॉजेस की वजह से हो रहा है, ऑयल प्राइसिंग को आप कंट्रोल कर नहीं सकते क्योंकि उस पर मिडवेस्ट का, वेस्ट कंट्रीज का डोमिनेशन है, मतलब मिडिल ईस्ट वाला जो कंट्रीज है, वेस्ट एशिया वाला डोमिनेंस है, तो वो भी हमारे हाथ में ही नहीं, क्योंकि क्रूड का प्राइस बढ़ रहा है। बाकी बची कुछ ही समस्याएं जो होती है वो पाकिस्तान की वजह से है, और फिर भी अगर कुछ बच जाता है तो नेहरू जी छोड़ गए, तो उस सब का कारण नेहरू जी हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे बात यही है कि आपकी कलेक्टिविटीज का रेफरेंस बदलता रहता है, इसीलिए आप इतने डिवाइडेड हो। लेकिन डर्कहाइम के लिए ये सब चीजें ऐसी नहीं थी, क्यों? क्योंकि वो कलेक्टिविटी डिवाइडेड ही नहीं थी उस टाइम पे उतनी, और आज भी नहीं है। यूरोप में आप देखोगे तो जितना रेशियल एरोगेंस या रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अफ्रीका में या यूएसए में है, उतना यूरोप में नहीं है। फ्रांस में आप जाओगे तो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ नीग्रोज देयर, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ ब्लैक पीपल देयर, दे आर इक्वली treated and they're living at a good life in living conditions. Caste nahi hai. They're also a gender equal society. Gotra bhi nahi hai. Gomata bhi nahi hai. Is pe division ho gaya. Gau kiski mata hai? Wo uski bhi ek fight chal rahi hai. हमारे यहाँ पे खुद की माता का तो पता नहीं है, लेकिन गौ को माता बनाने की फाइट अलग है। तो एक बार पापा से भी पूछ लो, उनका भी तो कंसेंट इंपॉर्टेंट है। दिस इज स्टुपिडिटी, मेरे को तो बड़ा मजा आता है सब सुन के। वो आके वो चिल्लाते रहते हैं गौ हमारी माता है, गौ हमारी माता है। तो पापा से भी पूछ ले भाई, बाप से तो पूछ ले है कि नहीं है, बाप मना कर दे, चलो फॉर एग्जाम्पल गौ हमारी माता है, बस तुम्हारी होगी मेरी तो नहीं है, ठीक है चलती गौ तेरी माता है, तो बाप को बैल बना दे, फिर पूछ ले बाप हमारा बैल है, ये तो नहीं बोलोगे तुम। तो हम क्या डिविजिव चीजों के ऊपर स्टक हो जाते हैं, उसमें हम कलेक्टिविटी ढूंढते हैं। एंजॉय कर लो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। आगे से जितनी भी लोग बोले कि गौ हमारी माता है, Do ask them, have you taken consent of your father? Or even have you informed this thing about him? ये भाई आपको पता है ना कि भाई मुझे पता चल चुका है गाय हमारी माता है, पापा को एक बार जाके बोलना, मम्मी नॉट योर मम्मी, नॉट माई मम्मी, गो हमारी माता है। How stupid is this? उसी पे लड़ मर रहे हो, कुछ नहीं मिल रहा तो। डर्कहाइम इन सब चीजों से कोई लेना देना
नहीं था। तो फैट का मतलब समझ आ गया ना आपको, फैट बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे वो वाला नहीं, बीन बैग वाला नहीं, फैट मतलब फीलिंग, क्योंकि फीलिंग और थिंकिंग ही आपको एक्ट कराती है, फीलिंग और थिंकिंग है आपको। अब एक इंट्रीगिंग क्वेश्चन आपके लिए साइकोलॉजी से रिलेटेड, फीलिंग पहले आती है थिंकिंग? थिंकिंग पैराडॉक्सिल कैसे मतलब? दोनों एक दूसरे को बड़ा सीधा सा जवाब दे देता हूं आपको, टेक्निकल एंड सक्सेंट आंसर। फीलिंग इज हार्मोनल, थिंकिंग इज कॉग्निटिव, एज सिंपल इज दैट। एक पागल आदमी फील कर सकता है पर थिंक नहीं कर सकता, एक समझदार आदमी या नॉर्मल आदमी फील भी कर सकता है और थिंक भी कर सकता है, पर एक पैथोलॉजिकल कैरेक्टर वो थिंक जरूर करता है पर फील नहीं करता। पैथोलॉजिकल कौन? क्रिमिनल्स। बहुत छोटा सा सोचने की बात है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है कि फीलिंग जो होती है वो हार्मोनल होती है बेसिकली, है ना। इमोशंस जो जनरेट होते हैं वो सब हार्मोनल या बोलो कि एंजाइम्स से रिलेटेड वो होती है। एंजाइम्स भी नहीं बोलो तो आप स्पेसिफिक टर्म यूज करो तो हार्मोन्स होते हैं, वो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उसके कारण आपको वो ट्रिपल एफ हार्मोन्स हो गए या आपके लवी डवी स्टफ वाले हो गए, ये सब हार्मोनल होते हैं। ये जो 40-50 साल बाद जो अक्कल आती है ना, ये जो विजडम आती है, अरे बेटा दुनिया तो ऐसी है कुछ नहीं होगा, ये अक्कल नहीं देनी चाहिए किसी को भी। मेरा पर्सनली ऐसा मानना है, मैं तो दूंगा भी नहीं। कारण क्या होता है, वो बेसिकली आपका एक हार्मोनली डिप्राइव स्टेट में हुआ 50 साल के 60 साल के बाद में, अरे बेटा पढ़ लो ये सब तो होता ही रहेगा, ऐसे हो गया, ये वो हार्मोनली डिप्राइव स्टेट है। तो आप अपने डिप्राइव स्टेट से ऐसे इंसान को समझाने की कोशिश कर रहे हो जो हार्मोनली एक्साइटेड स्टेट में चल रहा है। एक छोटा सा बच्चा अगर आपने कहीं खेलता हुआ देखा हो तो वो जितना फुदकता रहता है इधर भाग उधर भाग उधर भाग, उसको तुम बिठा के क्या करा दोगे, उसको जीवन ही उसी में। तो हार्मोनली डिप्राइव स्टेट का आदमी है अगर एक हार्मोनली एक्साइटेड पर्सन को समझा रहा है कि बेटा ये सब, वो तो नहीं समझेगा। उसको सिर्फ इतना सा बोलो कि भाई देख जब पढ़ रहा है तब पढ़ ले, बाकी तेरे को जो करना है तू कर, यू विल बी मोर एक्सेप्टेबल टू द पीपल। बट पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस, वो क्या है, अपनी आइडियोलॉजी पूरी थोपना चाहते हैं, पर उनको विजडम में समझा दो कि भाई आप जो डिप्राइव स्टेट की बात कर रहे हो उसको बोलो कि ये हार्मोनली डिप्राइव स्टेट जो है ना, वो आपको 5-6 घंटे एग्जीक्यूट करनी है अपने आप पे, पढ़ते समय हार्मोन्स के बारे में मत सोचो, जो हार्मोन सोचने मजबूर कर रहे हैं उसके बारे में मत सोचो, जब पढ़ लो उसके बारे में जो तुम्हारा मन कर रहा है, हार्मोन्स तुमको सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं कर लो, तो बोथ वेज ही विल बी हैप्पी एंड ही विल अंडरस्टैंड यू, ही विल बी रिलेटिंग टू यू मोर। मैं कभी नहीं बोलता कि पूरा साल इंस्टाग्राम बंद कर दो, खाओ मत, दोस्त से बात मत करो, मत करो। मैं आपको सब बोलता हूं, जब पढ़ रहे हो सिर्फ तब पढ़ो, उसके बाद में डू द हेल यू वॉन्ट, आई डोंट केयर। कहीं भी किसी भी स्टेट में मेरे को दिख जाओगे तो मैं तो मतलब मैं उसका कोई भी वैलिडेशन ही नहीं दूंगा, मैं रिकॉग्नाइज ही नहीं करूंगा तुमको। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात तो आप अपनी स्टेट में और मैं मेरी स्टेट में हूं, तो वी आर
एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी आर इन नो कॉन्टेक्ट और रिलेशन विद ईच अदर एंड वी शुड नॉट बी. अरे भाई आप 10 के साथ घूम रहे हो, 1 के साथ में खा रहे हो पी रहे हो जो कर रहे हो वो आपके लाइफ है, पर आपको और मेरा रिलेशन कहां तक बाउंडेड है? इस एकेडमिक्स तक. सो वट एवर यू आर डूइंग इन योर एकेडमिक्स लाइफ आई विल बी मोर कंसर्न अबाउट दैट, दैट्स इट. तो हॉर्मोन्स जो होता है वो फीलिंग इन्वोक करते हैं और थिंकिंग इज अ कॉग्निटिव प्रोसेस. ठीक है, तो FAT क्लियर हो गया, जिंदगी में मत भूलना. सोशल फैक्ट की अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो 20 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है. सोशल फैक्ट लिखना ही पड़ेगा और सोशल फैक्ट की डेफिनेशन के साथ लिखना पड़ेगा. तो एक कलेक्टिव वर्ड क्लियर हो गया दिमाग में, फैट क्लियर हो गया. एक्सटर्नल टू द इंडिविजुअल एंड इंटरनल टू सोसाइटी. एक्सटर्नल टू इंडिविजुअल क्यों? आपके कंट्रोल में कुछ है? डरखाइन के हिसाब से आपके कंट्रोल में कुछ है ही नहीं, और एक्चुअली हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है. मैच आप खेल रहे थे क्या? पुलवामा में आप पे अटैक हुआ था क्या? मुंबई टेरर में आप थे क्या? लियोपोल्ड कैफे में? नहीं ना, पर आपको वो सब चीजें फील हुई क्योंकि वो फील करवाई गई. सोसाइटी डिक्टेट करती है आपको क्या पहन के आना है. सोसाइटी डिक्टेट कर रही है कि आपको क्लास में कैसे बैठना है. मेरी एक स्टूडेंट थी तो उसकी क्या आदत थी कि वो च्युइंगम खाती थी क्लास में और पैर जो है वो मतलब आपकी बेंच के पीछे एक जो स्टैंड है उस पे पैर रख के बैठती थी. तो द वे शी वॉज सिटिंग, तो वो जूता मेरी साइड रिफ्लेक्ट होता था. तो मैंने एक दिन तो मैंने इसको इग्नोर किया, मैंने कहा ठीक है बच्ची है कोई बात नहीं. दूसरे दिन मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं समझ जाएगी. फिर तीसरे दिन मैंने बहुत सटली माइक पे बोला, मैंने कहा कि मुझे लगता है कि आप लोग अगर अपना चेहरा मुझे अच्छे से नहीं दिखा सकते तो जूता तो ना ही दिखाएं. तो जूते की जो सही जगह होती है वो जमीन पे होती है. फिर भी उसको समझ नहीं आया. फिर चौथे दिन मैंने उसको पॉइंट आउट करके बोला, मैंने कहा शूज डाउन. उसको बुरा लग गया होगा. तो क्लास के बाद में आके सर क्या हो गया? मैंने कहा तुमको 3 दिन से मैंने बोला ये जो होता है सिंबॉलिकली अच्छा नहीं होता है. हमारे कोई सामने बड़ा बैठा होता है तो हम पैर फोल्ड करके पैर उसके सामने नहीं रखते हैं. ये सिंबॉलिक जेस्चर्स होते हैं जो आपको मेंटेन करने हैं क्लास में. तो बोलती सर अनकॉन्शियसली हो गया, सीरियसली मैंने सोचा नहीं था ऐसे. बहुत अच्छे से उसने अपोलोजाइज किया, जो भी पैर वैर छूना था उसने किया. मैंने कहा देखो इस सब की जरूरत नहीं है, बट शी वॉज वेरी अपोलोजेटिक अबाउट द फैक्ट कि उससे अनकॉन्शियसली हुआ. पर उस दिन के बाद से लेके अभी तक जितना टेन्योर मेरा था उसने वो पैर को बांधे रखा कि इनवॉलंटरी भी ऊपर नहीं आ जाए उसका पैर. अब ये आपको कौन डिक्टेट कर रहा है? सोसाइटी. मैं सोसाइटी तो हूं और सोसाइटी तो ये डिक्टेट कर रही है कि मुझे कैसे क्लास में पेश आना है. भाई आई एम नॉट द सेम पर्सन आफ्टर दिस क्लास. आई माइट बी इंजॉइंग इन द रेन, आई माइट बी फीलिंग लाइक कि नहीं यार आज तो मुझे बारिश में भीगना है. पर अभी बारिश आ रही है तो मैं थोड़ा ना बोलता हूँ नहीं मैं जा रहा हूँ भीगने, होगी क्लास बात हो गया. नहीं होता ना ऐसा. तो कौन डिक्टेट कर रहा है हमको? सोसाइटी. घर में रिलेटिव आते हैं खड़ूस एकदम, मन ही नहीं करता है जिनसे बात करने का, साइनाइड टाइप के लोग. क्या करना पड़ता है? पैर छूने पड़ते हैं, नमस्ते करना पड़ता है. दो मकसद होते हैं उसके, एक उनके जाने के बाद में मम्मी पापा चीची करेंगे, दो हो सकता लिफाफा मिल जाए. नहीं तो हम जो भी हैं, हम जो कर रहे हैं और हम जो करने वाले हैं वो सब कुछ एक रिजिड सेटअप में कन्फाइंड होता है.
एक रिजिड सेटअप में डिफाइंड होता है। हमारा रोल क्या है, आप कुछ भी बोलो, मैं आपसे चाहता हूं कि आप इस सोशल फैक्ट को अंदर तक उतार के जाओ आज, क्योंकि उसके बाद में सारी कहानी सब सोशल फैक्ट पे बेस्ड है। क्योंकि मैं आपको फिर सीधा बोलूंगा, सोसाइटी इज अ सोशल फैक्ट, रिलीजन इज अ सोशल फैक्ट। आप मुझे एक एक इंस्टेंस बताओ, कोई भी एग्जाम्पल, और मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे सोशल फैक्ट है। बट आई वॉन्ट ईच ऑफ वन टू रिस्पॉन्ड। कोई भी चीज, खाना पीना, उठना बैठना, फैशन, बातचीत, ये वो, वट एवर यू लाइक, मैं आपको बता दूंगा और प्रूफ करूंगा कैसे सोशल फैक्ट है। कुछ भी पूछो, हाँ कोई भी इंस्टेंस बताओ जो आज सुबह से ले गया, पिछले एक हफ्ते में आपने कोई भी एक इंस्टेंस जो आपको लाइफ में ध्यान रहा हो, चाहे गाड़ी चलाते हुए, खाना खाते हुए, कहीं बाहर घूमने फिरने गए, फेयरवेल गए, या ये वो, कोई भी चीज जो आपको ध्यान आ रही हो। राहुल गांधी जा रहा था और सारी गाड़ी फॉलो कर रही थी तो रोक दी। एक आदमी की रिलेटिव इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है, किसने डिटरमाइन किया, और आपको रुकना क्यों पड़ा? क्योंकि आपको पता है जो रोक रहा है वो किसका पार्ट है, स्टेट। स्टेट किसका पार्ट है, उसको, वो बोलेगा रुकना पड़ेगा तो रुकना पड़ेगा। वो तीन पुलिस वाले मिलके 10,000 लोग रोक सकते हैं। वो तीन पुलिस वाले या एक पुलिस वाला 50,000 लोगों का चालान काट सकता है, और आप फाइट नहीं कर सकते। वैसे आपको कोई कॉलर पकड़ के, कॉलर छोड़ो, आपसे कोई ऊंची आवाज में बात भी कर ले तो ईगो हर्ट हो जाता है। पुलिस वाला ईगो ऊंची आवाज में बात करता तो आप जवाब नहीं देते हो, सड़क पे रो ट्रैवल करते ही हो ना, कोई भी छोटा मोटा एक्सीडेंट होता है या कोई भी इंसिडेंट होता है, आपसे कोई ऊंची आवाज में बात कर लेता है तो आप भी ऊंची आवाज कर लेते हो, वो आपसे भिड़ता है आप भी भिड़ लेते हो, लेकिन पुलिस वाले के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? वो बोलेगा अभी तेरे को अंदर डाल दूंगा, तुम बोलो मैं भी अंदर डाल दूंगा तेरे को, पर वो तो तुम्हें जेल में डालेगा, तुम कहां डालोगे उसको, बैग के अंदर? तुम ये बात बोल ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि इज अ पार्ट ऑफ लार्जर इंस्टीट्यूशन ऑफ द सोसाइटी जो कि लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्स कर रहा है, स्टेट का पार्ट है वो, इसीलिए वो अंदर डाल सकता है, तुम अंदर, और बताओ, तुम बताओगे तो तुम्हें ज्यादा समझ आएगा, मेरे पास में तो 500 एग्जांपल है। बिल्कुल, आप क्या पढ़ के बनोगे आईएएस, ये कौन बता रहा है? आपको जो आता है उससे आईएएस नहीं बनोगे आप। इसीलिए तो बोला जाता है कि आंसर में वो लिखो जो पूछा गया है। मैं डिटरमाइन करता हूं ना कि आपका आंसर अच्छा है या बुरा है। आप बोले मैंने तो अच्छा लिखा है सर, मैं बोलूंगा नहीं लिखा, तो तुम आर्ग्यू नहीं कर सकते ना उसमें, क्योंकि आई एम अ सोशल। तुम क्या पढ़ के आईएएस बनोगे? सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड है, किसने प्रिस्क्राइब किया है? यूपीएससी ने। यूपीएससी क्या है? स्टेट का पार्ट। स्टेट कहाँ है? सोसाइटी का पार्ट। और बताओ, ट्रैफिक रूल इसलिए तो फॉलो होता है, एक बाइक पे तीन लोग जा रहे हो, सामने पुलिस वाला दिखा, यू टर्न मारा, निकल गए, आगे जाके वो पकड़ लेगा, चाचा रसीद काट देंगे। सोशल फैक्ट, वो डर किस लिए है? सोशल फैक्ट, कलेक्टिवली बोला ना, अरे भाई भाई भाई, रुक रुक, यू टर्न मार, आगे खड़ा हुआ है वो, भाग। तीनों का रिएक्शन एक जैसा, तीनों की फीलिंग एक जैसी। कलेक्टिविटी, और बताओ काजल,
अगेन दिस इज अ सोशल फैक्ट, हाउ? क्योंकि आप जिस कारण से फाइट बैक नहीं कर पा रहे हो वो इस सोसाइटी की कॉन्शियसनेस ही कि लोग क्या कहेंगे। देखो लड़की होते हुए इतना चिल्ला रही है, मार रही है, मार पकड़ के गलत किया तो खींच खींच के मार उसको। लड़की और लड़का क्या होता है, लड़का मारे तो सिंगम, लड़की मारे तो देखो गुंडी हो गई। ये तो आपको कॉन्शियसनेस ही तो रोक रही है सोसाइटी की, सोसाइटी के परसेप्शन आपको रोक रहे हैं, जबकि आपको पता है फाइट कर सकते हो। रेप विक्टिम्स के साथ में क्या होता है, अभी रिसेंटली एक मेल ने रिपोर्ट किया कि भाई मेरे साथ में रेप हुआ है, तो सबसे पहले तो जब उसने ये बात रिवील की दुनिया में, तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि उसके जितने नंबर ऑफ पोस्ट पे जो लाइक होते हैं उससे ज्यादा तो वो थे हा 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 हा। मेल का रेप हो गया, परसेप्शन टू सोसाइटी इज अरे मैस्कुलिनिटी, मेल का कैसे रेप हो सकता है? मतलब उसमें तो कमेंट एक से एक लिख रखे थे लोगों ने, टेक्निकल कमेंट्स भी थे। ऑफ कोर्स डेवियंस, सोसाइटी इज पनिशिंग हिम, एक्सट्रीम डेवियंस। भाई फीमेल विक्टिम क्यों घबराती है रेप के केस में, सोसाइटी क्या बोलेगी? अरे उसके कॉन्शियंस से पूछो ना सोसाइटी क्या बोलेगी नहीं बोलेगी। उसका कॉन्शियंस जो फील कर रहा है वो उस मेलिशियस डेरोगेटरी एक्ट को पनिश करने के लिए बहुत है, लेकिन वो एफआईआर रजिस्टर ही नहीं करवा पाती। क्यों? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो सोसाइटी डिक्टेट कर रही है नहीं कर रही है, आपको किसने हक दिया? सोसाइटी ने डिक्टेट किया इंस्टीट्यूशन के ओनर को कि इस फैकल्टी को निकाल के फेंको, इसके ऊपर पॉक्सो लग गया, और पॉक्सो कौन लगा रहा है? स्टेट। और डेविन्स मर्टन में पढ़ाऊंगा आपको मैं, एकदम से नहीं करती रेवोल्यूशन, एक दिन में नहीं होता, इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से लेके आइंस्टाइन तक, कोई भी चीज, लॉ ऑफ मोशन ले लो, कैपलर्स के लॉ ले लो, कोई भी चीज हुआ, कभी भी आज तक सोसाइटी ने एक दिन में किसी को एक्सेप्ट नहीं किया। आइंस्टाइन को भी लोग पागल बोलते थे, फर्स्ट दे विल लाफ एट यू, देन दे विल वॉक विद यू, देन दे विल अप्लॉड यू, दिस इज द रूल। ठीक है, तो ये क्या है, सब सोशल फैक्ट। तो एक्सटर्नल टू द इंडिविजुअल एंड इंटरनल टू द सोसाइटी, इसका मतलब ये होता है आपके कंट्रोल में नहीं है सब कुछ, किसके कंट्रोल में? एज इट इज डेफिनेशन हमको चिपका के आनी है। तो सोशल फैक्ट को हम यहीं पे एक बार कंक्लूड करेंगे, क्योंकि इसके बाद में फिर रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड शुरू होगा, OCG वाला पढ़ाना है मेरे को आपको, इसको हम कल से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो।